दोस्तों आपने कभी ऐसा इंसान देखा है कि जिसकी लाइफ में कभी कोई परेशानी ही ना हो? ऐसा कभी देखा है? पॉसिबल ही नहीं है। इस दुनिया में कोई भी इंसान है ना, उसकी छोटी उसके पास छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है उसकी लाइफ में। तो क्या करते हैं वो लोग? दोस्तों मैं हूँ सुमित जैन और आप देख रहे हैं एलिवेट टुवर्ड्स अपलिफ्टिंग लाइव्स। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हर एक इंसान की लाइफ में छोटी या बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। दोस्तों एक बार एक राजा था, उसने अपने सैनिकों को कहा कि सड़क पे आप एक बहुत बड़ा पत्थर रख दो, बहुत बड़ा पत्थर कि सड़क से जाने में लोगों को तकलीफ हो जाए, बहुत बड़ा पत्थर रख दो। ओके, सो बहुत बड़ा एक पत्थर रख दिया और जो भी उस रोड से जा रहे थे ना उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। तो हर एक इंसान जो भी उधर से जा रहा था ना, वो या तो साइड से जाने की कोशिश कर रहा था मगर उस पत्थर को हटाना नहीं चाहते। उसमें से कुछ लोग, एक बार राजा के दोस्त भी आए, वो भी उस पत्थर को देखे और साइड से निकल लिए। उसमें राजा के रिश्तेदार भी आए, वो भी आए पत्थर को देखा और साइड से निकल लिए। किसी ने भी, गांव के बहुत सारे लोग आए, अमीर लोग भी आए, गरीब लोग भी आए, ठेकेदार भी आए और जमींदार भी आए, सब लोग आए मगर उस सड़क पे पड़े पत्थर को कोई हटाना नहीं चाहता। सब उस पत्थर को वहीं रहने देकर साइड से कैसे मैं बच के निकल जाऊं, कैसे मैं अपने रास्ते पे निकल जाऊं, बस यही सोचते। फिर एक दिन आया एक सब्जी वाला। उस सब्जी वाला सोचा कि इस पत्थर की वजह से कितने लोगों को तकलीफ होती होगी, कितने लोग को ये रास्ते से जर्नी करने में प्रॉब्लम होती होगी। तो उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं इस प्रॉब्लम को जड़ से निकालूं। तो उसने मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की उस पत्थर को हटाने में और बहुत धक्का मार के, बहुत टाइम लगा के उसने, उसकी वो मेहनत सफल हो गई। उसने उस पत्थर को हटा दिया, रोड के बीचों बीच पड़े पत्थर को हटा के साइड में कर दिया। अब हुआ क्या, जैसे ही वो पत्थर को हटाया ना, राजा के सैनिक चुप के देख रहे थे कि ये जो बंदा है ना हटा रहा है। उसने हटा दिया, वो सफल भी हो गया। अब जैसे ही पत्थर हटाया, अंदर एक पत्थर के नीचे बहुत बड़ी थैली पड़ी थी, बैग पड़ा था जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। और वो जैसे ही उसको वो थैली मिली, उसने सोचा कि इतने सारे सोने के सिक्के मिल गए मुझे सिर्फ ये पत्थर हटाने के लिए, और वो उसको मिल गए। माय डियर फ्रेंड, लाइफ में भी बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। कुछ लोग होते हैं ना, उस साइड से निकलने की कोशिश करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। आप इस स्टोरी को ध्यान से, अवेयरनेस के साथ ध्यान से समझना और सोचना कि क्या करते हैं लोग। उसमें से कई लोग आपने देखे होंगे जो आपके दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे या बड़े बड़े अमीर लोग भी अपने सामने जब प्रॉब्लम आती है ना, उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करते। या तो वो रास्ता बदल लेते हैं, वो पीछे चले जाते हैं, बोले नहीं ये मेरा काम नहीं है, मैं इसको सॉल्व ही नहीं कर पाता। कुछ लोग तो उनमें पोटेंशियल होने के बावजूद भी कोशिश नहीं करते कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं, और वो देखने से ही, प्रॉब्लम देखने पर भी वो हार जाते हैं। कुछ लोग साइड से निकलने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग रास्ता बदल देते हैं और कुछ लोग हार मान लेते हैं। मगर बहुत कम लोग होते हैं जो उस प्रॉब्लम को फेस करके उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। और माय डियर फ्रेंड, आप कभी भी ध्यान में रखना, जीवन की जितनी भी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, जब आप उसको सॉल्व करते हो ना, तब उसमें से अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अब जब प्रॉब्लम जो आती है ना, वो सिर्फ प्रॉब्लम के साथ नहीं आती है, वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आती है आपके लिए। जब आप उसको सॉल्व करते हो ना, तो सबसे पहली बात, आप बहुत मजबूत हो जाते हो। और दुनिया में आपका मजबूत होना मीन्स बहुत बड़ा एक सम्मान है आपके लिए और एक बहुत बड़ा एक पुरस्कार है आपके लिए। और दूसरी बात, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, उसमें से आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को पकड़ के रास्ते में आप ग्रो कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, आप पैसे बना सकते हो, आप बहुत सारे चीज़ें कर सकते हो। सो हमेशा प्रॉब्लम को फेस कीजिए। माय डियर फ्रेंड, एक छोटा सा एग्जांपल देख रहा हूँ। मान लीजिए ये आपके सामने प्रॉब्लम है, अब आप मेरा फेस देखने की कोशिश कीजिए, आप पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे ना, आप फेस नहीं देख पाएंगे। मगर जैसे ही आप प्रॉब्लम्स को हटा देंगे ना, तो इस प्रॉब्लम को अगर आप हटा देते हैं तो आप मेरा फेस देख सकते हो, तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड, आपका फोकस किधर है वो देखिए, कि
कि आपका फोकस है इस प्रॉब्लम को हटा के आने वाली अपॉर्चुनिटी देखने की, तो इस प्रॉब्लम को हटाना आपकी पहली रिक्वायरमेंट होगी। जिस वक्त ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको हटा देंगे ना, आपको सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो फोकस मत कीजिए प्रॉब्लम पर, फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है वो सोचिए, ताकि आप प्रेजेंट में अपना 100% दे पाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।